जो मुझे कुश्ती में हराएगा मैं उसी से शादी करूंगी। ऐसी महिला जिसे कोई आदमी हरा नहीं पाया। हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला पहलवान हमीदा बानो की, जो अपने दौर में पुरुष पहलवानों को खुली चुनौती देने के लिए जानी जाती थी। 1900 के दशक में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पहलवान परिवार में जन्मी हमीदा हमेशा से ही कुश्ती करना चाहती थी, लेकिन उस दौर में कुश्ती सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित थी। औरतें तो अखाड़े में उतरने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। जब उन्होंने पहलवान बनने की बात कही तो उनके परिवार ने उन्हें खूब सुनाया, तो हमीदा ने बगावत कर दी और घर से अलीगढ़ भाग गई। वहां उन्होंने कुश्ती के दाव पेच सीखे और फिर मुकाबलों में उतरने लगी। कुछ ही दिनों में हमीदा उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक मशहूर हो गई। साल 1944 और जगह बंबई का एक स्टेडियम जो खचाखच भरा हुआ था। बस कुछ ही मिनट बाद एक महिला पहलवान और पुरुष पहलवान के बीच कुश्ती का मुकाबला होने वाला था। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक पहलवान ने अपना नाम वापस ले लिया। आयोजकों ने कहा कि पहलवान ने शर्तें रखी है कि उसे ज्यादा पैसे दिए जाए और मुकाबले की तैयारी के लिए थोड़ा वक्त भी दिया जाए। 1954 में हमीदा ने एक ऐसा ऐलान किया जिसे लेकर वो एक बार फिर चर्चाओं में आ गई। उन्होंने कहा, जो मुझे कुश्ती में हराएगा मैं उसी से शादी करूंगी। इस ऐलान के बाद तमाम पहलवानों ने उनका चैलेंज स्वीकार कर लिया, लेकिन हमीदा के आगे कोई टिक ही नहीं पाया। इसके बाद हमीदा अपने मुकाबले के लिए बड़ोदरा पहुंची। शहर में जगह जगह उनके नाम के पोस्टर लगे हुए थे। हमीदा का मुकाबला छोटे गामा पहलवान से होना था, जिसका नाम ही काफी था, लेकिन गामा पहलवान ने हमीदा से लड़ने के लिए मना कर दिया। उसके बाद हमीदा का मुकाबला बाबा पहलवान से हुआ। 4 मई 1954 में हुआ ये मुकाबला 1 मिनट 34 सेकंड तक चला और हमीदा ने बाबा को धूल चटा दी। कहा जाता है कि इस हार के बाद बाबा पहलवान ने संन्यास ले लिया। इसी मुकाबले की याद में आज गूगल डूडल बनाया गया है। हमीदा बानो पूरी दुनिया में फेमस हो चुकी थी और उन्होंने अपने कोच से शादी भी कर ली थी और ये था उनकी जीवन का टर्निंग पॉइंट। एक बार हमीदा ने अपने पति से यूरोप जाकर कुश्ती लड़ने की बात कही, लेकिन उनके पति ने उन्हें मना कर दिया, पर हमीदा अपनी बात पर अड़ी रही। इसलिए गुस्से में आकर हमीदा के पति ने उनके हाथ पैर तोड़ दिए। इसके बाद कई सालों तक वे लाठी के सहारे चलती रही। उस वक्त हमीदा बानो कल्याण में ही रह रही थी। कई दिनों तक उन्होंने सड़क किनारे खाने का सामान बेचा और साल 1986 में उनकी गुमनामी में मौत हो गई। एक वक्त पर मशहूर और सबकी जुबान पर छाई रहने वाली हमीदा कुछ इस तरह हुई कि उनकी मौत का किसी को पता तक नहीं चला। हमीदा बानो के बाद और भी ऐसी कई पहलवान हुई जिन्होंने पुरुषों को धूल चटा दी। हालांकि उन्हें बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली, लेकिन हमीदा को उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली। मैं हूँ हिमानी श्रोत्रिय, देखते रहिए, बने रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।